टूल लिया है और ये ग्राइंडर है। इसको कैसे हम प्रयोग करते हैं, सबसे पहले तो ग्राइंडर को यूज करने से पहले ग्राइंडर की लुब्रिकेशन, जहां ग्राइंडर के ग्रीस गन ग्रीस वगैरह लगाते हैं, जहां ऑयल देते हैं, ये पॉइंट है, उनमें आप ऑयल दें ताकि इनके जो बैरिंग है वो अच्छे से काम कर पाए। उसके अलावा यहाँ पे जो कूलेंट है इसका प्रयोग साथ साथ करते रहे। उसके अलावा जो आपका टूल को ग्राइंड करने का तरीका है उसको प्रॉपर तरीके से ही टूल ग्राइंड करें, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी आप टूल को ग्राइंड कर पाएंगे या ग्राइंडर को यूज करना सीख पाएंगे। और इसके साथ साथ इसमें ये भी है कि ग्राइंडर जो है टू व्हील होते हैं, अलग अलग क्यों होते हैं, ये ग्राइंडर जो है हमारा फिनिशिंग कार्य के लिए रहता है और एक रफ कार्य के लिए रहता है। तो जहां हमें मटेरियल अधिक रिमूव करना है तो वहां पर हम रफ ग्राइंडर का यूज करेंगे, जहां फिनिश करना है वहां हम फिनिशिंग का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करना यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका टूल बिट है जिसका की साइज 1/2 इंच साइज है और इसी को हम राइट हैंड कटिंग टूल का शेप देंगे। तो आपको पिछले लास्ट में शायद बताया था कि किस प्रकार से हमने सबसे पहले फ्रंट क्लियर एंगल दे रहे हैं, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो दिस इज फ्रंट क्लियरेंस एंगल है, ये देखिए। तो ये आप टूल डिजाइन कर रहे हैं, इस समय टूल ग्राइंड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक टूल को आप एंगल नहीं देंगे तो टूल कितना भी कॉस्टली हो, कितना भी हार्ड हो, काम नहीं करेगा जब तक उसके अंदर एंगल नहीं होंगे। कटिंग एंगल देना बहुत जरूरी है। तो ये आप तैयार कर रहे हैं फ्रंट क्लियरेंस एंगल, देखिए लगभग ये फिनिशिंग हो गया है, कॉर्नर हल्का सा रह गया है। और इसको तरीका होता है जो इसका बेस है उसको पहले टच होना है और ऊपर को ग्राइंड नहीं करना हमने, ऊपर बस लास्ट तक फिनिशिंग करना है, नीचे से ऊपर को उठाना है, ये इसका ग्राइंड करने का तरीका है, तभी एंगल बन पाएगा। अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो ये एंगल नहीं बन पाएगा। तो इस समय ये फ्रंट क्लियरेंस एंगल देखो, तो अब हम इसको साइड क्लियरेंस एंगल देंगे। देखिए साइड क्लियरेंस एंगल, और ये डिपेंड करता है कि आपको जो कटिंग करनी है, अगर 5 mm करनी है तो इस एंगल को आपने 5 mm यहाँ से लेना है, अगर और ज्यादा करना है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इस चीज के लिए हमने इस एंगल को दिया जाता है, क्योंकि जितना एंगल हमारा ज्यादा होगा उतना वो मटेरियल अधिक लंबाई में कटिंग कर पाएगा। ये देखो हमने बढ़ा दिया, तो मेरे ख्याल इससे ज्यादा नहीं करेंगे। अब इसके बाद ये फ्रंट हो गया, ये साइड क्लियर, अब टॉप रैक एंगल देंगे टॉप के ऊपर। तो उसका तरीका देख लें, इसको एक बार टून कर लें। अब इसका टॉप रैक एंगल तरीका वही रहेगा, पीछे से हमने ग्राइंड करना है और टॉप तक ले जाना है, एंगल बनाना है। मेन टूल अगर ग्राइंड करना आ गया तो आपको काम करने में बड़ी सहूलत रहेगी, अर्थात आप कोई भी जॉब बना सकते हैं। अगर टूल को ग्राइंड करना नहीं आया तो आप हैंडीकैप हो गए। और देख रहे हैं आप ये एंगल आ चुका है ऊपर का, थोड़ा अभी टॉप पे थोड़ी कमी है, उसको भी एक दो बार और अगर आप इसी प्रोसेस को अपनाते हैं तो आपका टॉप रैक एंगल आ गया। ये देखिए अब मेरे ख्याल बिल्कुल टॉप तक जो है हमारा एंगल बन चुका है। इसके बाद एक एंगल इस साइड पे देना है, साइड रैक एंगल, तो इसको हम दूसरे व्हील की हेल्प लेंगे, इसकी भी ले सकते हैं। तो इसको एंगल को हम ऐसे देते हैं और ये बिल्कुल माइनर होता है, बिल्कुल माइनर, इसमें आपको ज्यादा ग्राइंड नहीं करना है, बिल्कुल माइनर, हल्का सा भी पॉइंट पे रह गया, हो चुका है। अब इसके बाद एक एंगल ये यहाँ पे देते हैं, इसको बोलते हैं रिलीफ एंगल। यहाँ पे ये नीचे से टॉप से ऊपर के टॉप तक जाएगा, इसको बोलते हैं रिलीफ एंगल। तो ये हम यहाँ पे दे सकते, तो ये लगभग जो है हमारा जो फिनिश, अभी हमने इस ग्राइंडर का इसीलिए प्रयोग किया कि अभी आप उसकी फिनिशिंग भी देख रहे थे और इस ग्राइंडर की भी फिनिशिंग देख रहे हैं, देखो कितना फर्क है।
ये देखो ये हमारा जो है बिल्कुल रिलीफ एंगल भी दिया गया है और ये टूल आपका बिल्कुल तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप ग्राइंडर का प्रयोग करना सीख पाते हैं और उसके बाद जैसे कार्य खत्म हो गया हमें इसको ऑफ करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैग्नेटिक अगर आपका यहाँ पर जॉब को कलेक्ट करने का प्लेटफॉर्म है तो उसकी अलग से आपको सेफ्टी करनी पड़ती है।